कोशिश करती हूँ कि कम से कम सामान हो, मतलब जितना कम सामान रहेगा उतना ईजी रहेगा, आई नो। लेकिन ये पार्ट्स में बन रहा है वीडियो, तो ये मेरा प्री ट्रिप का वीडियो है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं लद्दाख जाने के लिए क्या कैसे प्लान कर रही हूँ, क्या क्या लेके जा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रख के अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी लद्दाख में, वहाँ के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपने मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आगे के आने वाले लेह के ट्रिप का पूरा वीडियो एंजॉय कर सके। तब गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल इन बजट वंस अगेन। सो व्हाट्स न्यू इन दिस ब्लॉग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे अपकमिंग ट्रिप की। जी हाँ, ये सबको एक बार वहाँ जरूर जाना होता है, तो वो है अमेजिंग ट्रिप ऑफ लद्दाख। यस, मैं जा रही हूँ लद्दाख। लेकिन लद्दाख जाने से पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आप जा रहे हैं तो किस टाइप के क्लोथ्स, क्या मेडिसिन, क्या चीज़ों को साथ में लेके जाना चाहिए, तो ये पूरा मेरा वीडियो है उसी के बारे में। तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, हो सकता है आपके लिए यूज़फुल हो। और अगर आपको लगे कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं, मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या तैयारी की है। वेल, तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें लगती हैं और किस हिसाब से पैकिंग करें। तो ये कुछ गर्म मफलर, शॉल्स, स्वेटर हैं जो मैंने कैरी किया है। एक बैकपैक है जो आपको हमेशा लगेगा। गॉगल्स हैं, सनग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, शूज़ हैं, नाइट ड्रेस, कुछ कॉटन की टी शर्ट्स हैं, कभी बाई चांस के लिए हों तो जल्दी सूख जाएं, और लेयरिंग करके पहनने के लिए भी बहुत इजी रहेंगी। 2 pair of jeans और 1 cotton plazo sort of, ये तो मेरा शूट का सामान है। कुछ सॉक्स, फुल सॉक्स होने चाहिए, बेल्ट, कैश कैरी करने के लिए छोटा वॉलेट या पर्स, क्योंकि एक बात का ध्यान रखें कि अपने साथ जो लूज़ कैश है वो हमेशा रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो आपको ATM अवेलेबल हो। तो ये मेरे लास्ट जो ट्रिप था उसमें हमने एक्सपीरियंस किया था, इसलिए हमें पास लूज़ कैश रखें, ATM के भरोसे ना रहें। कैमरा रखा है मैंने शूट के लिए, साथ में पावर बैंक, ये अभी एक है, मैं 2 power bank लेके जा रही हूँ। अगेन, मेरे कुछ फेवरेट सनग्लासेस हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब्स्टिट्यूट ऑक्सीजन मतलब स्प्रे कैन है। अगर आपको ऐसा फील होता है वहाँ कुछ भी कि आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, एकदम लो हो गया, तो आप इससे माउथ में स्प्रे करके एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, ये मस्ट है। तो मुझे पता है कि मैं बहुत सेंसिटिव, तो मुझे लगेगा, तो ये मैं साथ में पहले से लेके जा रही हूँ। लोकल मेडिकल शॉप में ये थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो मैं इसकी लिंक अपने वीडियो के एंड में अटैच कर दूँगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कहाँ और कैसे क्या क्या अवेलेबल है। कुछ स्टूल्स हैं, डीओ, ये आपकी टॉयलेटरीज हैं जो आप यूज़ करेंगे, स्पेशली कुछ मेडिसिन हैं ये लेके आपको जानी है, जैसे कि मैंने बताया था पैरासीटामोल है, डैमोक्स है, वॉमिटिंग लिए एंटी एलर्जिक है, सनस्क्रीन, वैसलिन, लिप बम, डीओ, और ये मास्क, ये ट्रैवल पिलो। तो ये कुछ सारा आइटम जो है मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। और अगर आप बहुत मतलब और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके का आप अपने साथ जैकेट या कैरी कीजिएगा जो विंडशीटर का काम भी करे, रेन शीट का भी काम करे, और आपको वार्म भी रखे। तो मैंने एक ये कैरी किया हुआ है, स्वेटर्स तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने रखे हुए हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करके जानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा हैवी मत रखिए, क्योंकि वेदर वहाँ चेंज होता है, कभी डिपेंड करता है। एक अम्ब्रेला साथ में ज़रूर लेके जाइएगा, अम्ब्रेला या रेनकोट कुछ भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और मेडिसिंस के लिए आप प्लीज़ अपनी पूरी किट रेडी करके जाएँ, क्योंकि एमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है। और सूटकेस मैं नहीं ले जा रही हूँ, मैं बैकपैक करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ट्रैवल बहुत हसल फ्री रहे, कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कभी आप प्लान बनाते हैं या आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, तो आप उनको एज अ सजेशन, एडवाइस या उसमें टिप दे सकते हैं कि किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए ले लद्दाख में जाते हुए। स्पेशली इस टाइप के सीज़न में हमें पता नहीं होता है। भूल गई हूँ तो मैं बता दूँ कि कुछ अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ और ID प्रूफ भी साथ में कैरी कीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें आपके साथ जानी ही जानी चाहिए।
बाकी एक्स्ट्रा में केबल चार्जेस, मेमोरी कार्ड ये आपको एक्स्ट्रा में रखना है अगर आप फ़ोटो फ्रिक्वेंट बहुत खींचते हैं तो। अपने सारी चीज़ें आप साथ में एक्स्ट्रा कैरी करके रखिए क्योंकि कोविड का टाइम है तो वैसे भी जल्दी अवेलेबल नहीं है। तो ये पी सेफ है, ये गर्ल्स के लिए है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स नहीं आपको हर जगह अवेलेबल होंगे, तो ये गर्ल्स वुमेंस के लिए बहुत ईजी रहता है ट्रैवलिंग में, तो आप ये कैरी कर सकते हैं। ये रीयूजेबल है, यूज़ एंड थ्रो भी इसमें अवेलेबल होता है। मैंने ये कैरी किया, रीयूजेबल सिलिकॉन का है, तो आप इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो मैं बताना भूल गई थी, तो ये मैंने अलग साइड करके आपको बता रही हूँ कि ये भी मस्ट है। पानी बहुत सारा पीजिएगा क्योंकि आप मेडिसिन्स खाएंगे तो बॉडी को हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेदर कब चेंज हो जाए, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, तो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा ही वेदर रहेगा, कभी भी वहाँ मौसम बदल सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अपनी ट्रिप में जाने से पहले और वहाँ पहुँचने के बाद भी। कि आपको आज का मेरा जो ट्रैवल ब्लॉग है, टिप्स है, आइडियाज़ हैं, ये इस वीडियो में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि लेह लद्दाख जाने से पहले स्पेशली जून जुलाई में अगर आप जा रहे हैं तो किन बातों को ध्यान रखना है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। पर आगे की इन्फॉर्मेशन और सब के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। विथ मी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।